पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी, प्रणव जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज हमने इसलिए आपको तकलीफ दी क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके चलते हुए हमने ये सोचा कि आज का दिन, ये छुट्टी का दिन होने के बाद भी आपसे कांग्रेस की भूमिका इसके प्रति, इस विषय पर हम क्या विचार रखते हैं वो आपके समक्ष रखें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकार, खास करके सरकारी नौकरियों में समाज के इन तबकों को जो आरक्षण की व्यवस्था आज़ाद हिंदुस्तान में शुरू के ही दिनों से, जो भारत के संविधान के जरिए देने का काम हुआ, उस आरक्षण की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने का काम सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले की वजह से हुई है। मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये विषय सुप्रीम कोर्ट के अधीन था और बहस के उपरांत जो फैसला सुनाया गया उससे प्रमुखता से दो चीजें सामने आई। नंबर एक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सरकारी पदों पर भर्ती यहां कोई मौलिक अधिकार नहीं है, और नंबर दो, सरकारों का कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति देने में आरक्षण की व्यवस्था करें। हम आदरपूर्वक ये कहना चाहेंगे कि ये फैसले से हम सहमत नहीं हैं। जो अधिकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को संविधान के जरिए प्राप्त हुए, 70-72 सालों में पूरे मुल्क में समाज के इन तबकों को जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को लेकर एक आम सहमति रही, लेकिन ये दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि सरकार में आज जो है महत्वपूर्ण पदों पर, उनके लगातार बयान समाज के प्रताड़ित और उपेक्षित, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करने का काम करते रहा। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। एक तरह से वो संकेत था कि आरक्षण की व्यवस्था यह खत्म की जाए। दूसरा महत्वपूर्ण बयान मनमोहन वैद्य जी, जो संघ के प्रचार प्रमुख रहे हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण के नाम पर सालों तक लोगों को अलग करके रखा गया, इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण खत्म करना होगा, आरक्षण से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो किताब लिखी कर्मयोगी, उसमें वाल्मीकि समाज को लेकर उन्होंने क्या बात कही थी, वो आप सभी उसे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस तरह के बयान और साथ ही साथ
महत्वपूर्ण मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जो विषय आए उस पर भी जिस तरह का रवैया रखा उससे भी परेशानियां एससी एसटी की ये बढ़ी है। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फैसला सुनाया गया उसमें पैराग्राफ 8 उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इट रीड्स लाइक दिस, मिस्टर रंजीत कुमार लर्नर्ड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द एपेलेंट्स इन एसएलपी नंबर 25508 ऑफ 2019, मिस्टर मुकुल रोहतगी एंड मिस्टर पीएस नरसिम्हा लर्नर्ड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कंटेंडेड दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस इन पब्लिक पोस्ट, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस। What does this mean? Who are these people who are representing the government of Uttarakhand? Some of them have held very, very important positions and they have been representing the government of Uttarakhand, which is led by the BJP. These are the basic thoughts of the BJP about reservation, whether it is a fundamental right or not, whether the state governments have a constitutional duty or not. And based on these arguments, the Supreme Court, in its order, paragraph 12 says like this, Article 16.4 and 16.4a empower the state to make reservation in matters of appointment and promotion in favor of scheduled caste and scheduled tribes, if in the opinion of the state they are not adequately represented in the services of the state. It is for the state government to decide whether reservations are required in the matter of appointment and promotions to public posts. Ye sarkaron ke vivek par rahega. Ye kisi adhikar ke tahat nahi. Ye maulik adhikar nahi hai. ये संवैधानिक कर्तव्य नहीं है प्रदेश की सरकारों का कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण की व्यवस्था मिले। ये सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया। मैं ये समझता हूं और कांग्रेस ये मानती है कि ये सरकारों के विवेक पर नहीं, ये एक मौलिक अधिकार रहा है जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को भारत के संविधान के जरिए प्राप्त हुआ। लेकिन जो भारत के संविधान की सौगंध खाते हैं, भारत के संविधान के नाम से जो भारत की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर जो आज बैठे हुए हैं, इनके जरिए संविधान के मूलभूत मौलिक अधिकारों के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है और यह भी एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने का काम हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा डटकर विरोध करेगी। आपको अच्छे से याद है कि वो कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने शेड्यूल का सब प्लान लाया था, जिसने ट्राइबल सब प्लान लाया था, जिसके जरिए लोक संख्या के अनुपात के आधार पर बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए आवंटन करने का निर्धारित किया था। लेकिन शेड्यूल का सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान निरस्त करने का काम ये मोदी सरकार ने किया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो राजीव जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो कानून, जो अधिनियम बनाया गया था, उसे भी कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया था। ये कांग्रेस की वजह से ही कि जिसने आंदोलनात्मक भूमिका ली, जिसके चलते हुए ये कानून बरकरार रहा। आज भी बहुत बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न हो रहा है। ये कानून की आवश्यकता है, लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी
आरएसएस की संकीर्ण विचारधारा की वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है। हम संसद के भीतर और संसद के बाहर ये तमाम चीजों का पूरा डटकर मुकाबला करेंगे, और जो संविधान के जरिए दशकों से आजाद हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जो अधिकार मिले हैं, हम उसे कदापि किसी भी सूरत में हम कमजोर नहीं होने देंगे। आई आस्क, थैंक यू सो मच माननीय कुलभाषिणी जी, प्रणव जी और विनीत जी। मैं दो तीन सवाल करता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार ने स्टैंड लिया है कि पदोन्नति में जो आरक्षण है या रिजर्वेशन है ये बाध्य नहीं है, राज्य की सरकार इसे लागू करे। केंद्र सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जब कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो केंद्र सरकार का और उत्तराखंड सरकार का दोनों का दो रवैया है, एक ख़त्म करे और दूसरा मतलब है कि पैट करे। नंबर वन ये क्लारीफाई करें कि क्या बीजेपी जो उत्तराखंड की अलग है और केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार की अलग है, एक बात। दूसरी बात है कि ये इंदिरा साहनी वाले मैटर से पदोन्नति में आरक्षण के दिक्कत आई थी, उसको 1995 में जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे 77th अमेंडमेंट करके पदोन्नति में आरक्षण नॉट ओनली अप टू द लोएस्ट रंग ऑफ द क्लास वन बट टू हाइएस्ट एक्लोन रिजर्वेशन पदोन्नति में दिया गया था। डीओपीटी ने नोटिफिकेशन करते वक्त मॉडिफाई कर दिया, कहा कि पदोन्नति में आरक्षण निचले स्तर तक दिया जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार की देन रही है। जब सीनियरिटी का मैटर आया 5 मार्च का, जो सीनियरिटी 2018 का था, उसके बाद में जब भारत बंद किया हम लोगों ने, उस समय में भारतीय जनता पार्टी में था, 30-40 जिले को तो बंद कराने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद था सीनियरिटी में। इसी टीम ने गलत वहां पर आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और जिसके आधार पर सीनियरिटी का ख़त्म हुआ था। सन्याल ने जजमेंट दिया, जस्टिस सन्याल ने जजमेंट है कि बैकवर्डनेस भी चेक नहीं किया जाना चाहिए, देर इज नो नीड टू। जो राइडर्स तीन लगे हुए थे उसमें आपके नागराज के मामले में, कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए तीन राइडर्स थे, बैकवर्डनेस होना चाहिए, इन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन चेक करना चाहिए, एफिशिएंसी को हैम्पर करता है कि नहीं करता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वेव ऑफ कर दिया। ये सब करने के बाद ये उत्तराखंड नई चीज़ लेकर के आई है, आरक्षण के विरोध में लेकर आई है उत्तराखंड की सरकार। तो केंद्र सरकार ये कहे कि उत्तराखंड सरकार के साथ में है कि नहीं साथ में है, और नहीं होता तो उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा, जो ये जो रोहतगी जी हैं, इनके तो केंद्र सरकार के या इन्हें बीजेपी सपोर्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट के हैं। तो कुल मिला करके मामला क्लियर हो जाने के बाद में फिर से उलझा दिया गया मैटर। और ये एनेबलिंग क्लाज हो नहीं सकता, जब 77th अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने कर दिया तो एनेबलिंग क्लाज नहीं हो सकता। और जस्टिस सन्याल ने भी और तमाम जजेज ने इंटरप्रेट कर दिया है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज इंटरप्रेटेड दैट इट इज एन एनेबलिंग क्लाज, बट सबसिक्वेंट जजमेंट में ये क्लारीफाई हो गया है। तो इनेबलिंग क्लाज नहीं है, फंडामेंटल राइट है। आज सिरूरकास्ट का केवल एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, ये भी खत्म करना चाहते हैं। 2014 से
कोई बड़ी भर्ती नहीं आ रही, रिजर्वेशन वन आफ्टर अदर प्राइवेटाइजेशन हो रहा, ख़त्म हो रहा। तो जो जो एक चार्जेस दलित लोग लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, सही दलित विरोधी है, तो ये दलित विरोधी इनका इनका ये है, हम इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे, हम सड़क पर भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो जो 2 अप्रैल 2018 को हमने भारत बंद किया था, जिसकी अगुवाई हमने किया था, जिससे इनको बड़ा तकलीफ भी हुई थी कि सत्ता पक्ष के होकर के आपने भारत बंद किया था, अभी हम फिर भारत बंद का आह्वान करेंगे। और 3 ही जगहों पर दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था भारत बंद के समय, पंजाब में तो नहीं हुआ, राजस्थान में हुआ था और मध्य प्रदेश में हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी, और उत्तर प्रदेश में हुआ था, और कहीं पर नहीं हुआ था। तो वायलेंस भी इन्होंने किया था, भारत बंद नहीं होने दिया था। तो मूलतः ये आरक्षण विरोधी हैं और 77th amendment इज देयर फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो इंदिरा साहनी वाले केस को जो बाटल ने था वैभव किया, तो उसके बाद सबसिक्वेंट जजमेंट और खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट दैट कि आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना था, हाउ कैन इट गो अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट। मुझे यही कहना, धन्यवाद। मुझे जवाब देने दें। देखिए मैं उसका नो मैं उससे अलग से आ रहा हूँ। मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये जो बीजेपी की जो लीगल टीम है उत्तराखंड की, उन्होंने इस तरह से सरकमस्टांसेस कर दिया, वो जजमेंट आज ही आया है, ए टाइम्स ऑफ इंडिया का जजमेंट आज ही है। तो जब आज आया है वो पुराना हो गया है, उसको लिए अलग से मैं करूंगा, तो जजमेंट आ जाए तो रिएक्शन तो आज ही होगा ना। मेरा सवाल ये है कि क्या दलित मुद्दों पर कांग्रेस नई रणनीति बना रही है प्रखर तरीके से उसको उठाने के लिए, सुनियोजित तरीके से? जब 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 खतरा होगा, जब तक क्षति होगी तब तक हम मैदान में आएंगे। देखिए ये अलग से कोई रणनीति बनाने की बात नहीं है, हम पूरी तरह से एक राजनीतिक दल की हैसियत से समर्पित है समाज के प्रताड़ित उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ये ऐतिहासिक दृष्टि से सैकड़ों वर्षों से ये प्रताड़ित रहे हैं किसी ना किसी रूप से, और जब तक समाज में उन्हें पूरी तरह से समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तब तक के हमारा संघर्ष एक राजनीतिक दल की तरह चलते रहेगा। एक अलग से कोई रणनीति बनाने की बात नहीं, हमारा पूरा समर्पण है कि उनके अधिकार ये बरकरार रहे और समाज में उन्हें समानता के पूरे अवसर मिले। अधिकारी का नहीं था वो, व्यक्तिगत किसी ने किया होगा उससे, पार्टी को पार्टी का नहीं कर सकते वो, पार्टी का कोई लाइन नहीं। मैं समझता हूँ इन्होंने कहने के बाद कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए अलग से हम आ रहे हैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नहीं वो नहीं, आप डाइल्यूट हो जाए, आपकी स्टोरी भी खराब हो जाएगी। नो आज रिजर्वेशन से समथिंग व्हिच वी हैव ब्रॉट बिफोर योर नोटिस इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। आई एम नॉट सेइंग दैट अदर इश्यूज व्हिच यू वांट अस टू रिएक्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट, but let us focus on this because this is of extreme importance. It has come up only recently, just a day has passed since the Supreme Court has pronounced its judgment, and I think the reaction of the Congress party is of extreme importance. We would like to know from this government of India, from the Modi government, whether it believes that the right to reservation for scheduled caste and scheduled tribes in government
employment is a fundamental right or not. We would like to know from this government of India, from the Modi government, whether it is the constitutional duty of the government to provide reservation for the scheduled caste and scheduled tribe in government employment or not. They have to come out and speak and tell the nation what they believe in. What has happened recently is contradicting the position which they have been articulating in their speeches. See, this has come out only recently. The parliament is in session. Tomorrow, when the parliament will meet, certainly I do believe that some of our members will take up the issue in parliament. And when the parliament session gets over, then we will see how the situation unfolds. Government should file. Government of India should file. Will pressurize on them. Then why have the government of India has taken the stand in the Supreme Court, giving reservation? It's a contradiction among themselves. Already central government is there in the court. But you are not. You are saying the judgment is wrong. That you will see. Yes, of course. No, not judgment. BJP legal team has made it wrong. But why they implicated, they when they put the facts and of course views in wrong direction according to judgment. See, the law is the interpretation of law is done by the judiciary. Only advocates can only present their things. The law interpretation is done. Don't you think the judge lawyer don't have the role? The way they presented. No, no, you are aware that when the SCST Prevention of Atrocities Act was also it was because of the position taken by the lawyers representing the government of India, we got into a situation which you are aware about. Similarly, the Supreme Court has categorically mentioned in paragraph 8 of its order, I have already read out, I don't want to take your time and read it again, but this forms the basis of the judgment which the Supreme Court has given. And मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि आप भली भांति जानते हैं कि जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो अत्याचार निवारण के संदर्भ में जो अधिनियम पर एक कंट्रोवर्सी पूरे मुल्क में बनी थी, वो भी इसलिए बनी क्योंकि भारत सरकार की ओर से जो वकीलों ने वहाँ पर अपनी दलील रखी, ये उसका नतीजा है. और ये जो नया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के संदर्भ में दिया है, इसमें स्पष्ट तरीके से पैराग्राफ 8 में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, और वो एक तरह से इस फैसले की बुनियाद है. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.